यह पांच व्यक्ति आपको धोखा दे सकते हैं, इनसे दूर रहिए। आचार्य चाणक्य जी ऐसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में ऐसी पाँच बातें कही है, पाँच व्यक्तियों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बताया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए, जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहिए, क्योंकि आपको ये कब धोखा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे कौन से व्यक्ति है? नंबर एक, जो लोग इमोरल अनैतिकता से पैसा कमाते हैं, समाज विघातक काम करके पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग। अब इसमें काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं कि जो काम वो करते हैं वो समाज के हित का नहीं रहता है, मगर वो करते हैं काम, पैसा भी कमाते हैं, और वह काम करने वाले लोगों के ऊपर आप कभी भरोसा नहीं रख सकते हैं। जो अच्छे मार्ग से पैसा कमाते हैं, सचोटी से पैसा कमाते हैं, और जो मार्ग सभी को सभी के लिए फायदे का मार्ग है उससे पैसा कमाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से ही आप संपर्क रखें, ऐसे व्यक्ति से ही आप व्यवहार करें। नंबर दो, चारित्र्य देखो, कैरेक्टर। कैरेक्टरलेस यदि व्यक्ति है तो उसके साथ में व्यवहार मत करो, क्योंकि ऐसे कैरेक्टरलेस व्यक्ति जो है वो आपको कब धोखा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि कैरेक्टरलेस जो व्यक्ति है वो अच्छा विचार कभी नहीं करते हैं, और उनको कोई फिक्र पड़ी ही नहीं है, क्योंकि उनका चारित्र्य जो है वैसे ही, जो मतलब दांव पे कुछ लगा नहीं है, वो चारित्र्यहीन है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कुछ हुआ तभी, उनको कोई लाज लज्जा शर्म भी नहीं रहती है, तो उनसे व्यवहार करना उचित नहीं है, ऐसा चाणक्य जी कहते हैं। नंबर तीन जो है कि जो व्यक्ति बहुत ही क्रोधित व्यक्ति रहता है, बहुत ही क्रोध करने वाला व्यक्ति है, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत क्रोध करेगा, बहुत स्वार्थी और घमंडी व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों से भी व्यवहार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये कब आपसे संबंध तोड़ देंगे, कब इनके मन के खिलाफ हो जाएंगे, और कब आपसे तू तू मैं हो जाएंगे, कब आपसे झगड़ा कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसके उल्टा जो है कि शांत स्वभाव का व्यक्ति है तो उनसे आप व्यवहार डेफिनेटली कर सकते हैं। नंबर चार जो है कि जो बहुत ही आलसी है, आलसी, बहुत ही आलसी है, कुछ काम ही करता नहीं है, और बस करेंगे देखेंगे, और कोई टाइम का उसको पाबंदी नहीं है, मतलब टाइम का उसको कुछ पड़ा नहीं है, जो टाइम पे काम भी नहीं करता है, आगे आगे काम ढक लेगा, अपने जबान को नहीं उसका पालन करेगा, जो जबान देंगे कि भाई ये काम मैं ये समय पे करूँगा, तो ऐसा उसको इंटीग्रिटी नहीं है, काम के बारे में वो बहुत ही आलसी है, और समय के बारे में बहुत ही आलसी है, अपने शब्दों को कीमत देता नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी व्यवहार योग्य नहीं है, वो आपके साथ मतलब उनको उनके साथ में आप डील ही नहीं कर सकेंगे। तो ये है चौथा। और पांचवा जो है कि जो हरदम खुद के बारे में ही सोचेंगे, मतलब बहुत ही सेल्फिश लोग हैं, दूसरा जाओ गड्ढे में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दूसरों को कुछ भी नुकसान हो तो फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा देखूंगा, ऐसा जो व्यक्ति देखते रहते हैं कि मैं मेरा देखने वाला हूँ, और खुद का ही विचार करेंगे, लोगों का विचार नहीं करेंगे, लोगों को नुकसान हुआ तो भी उनको चलता है, तो ऐसे व्यक्तियों से भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये पांच बातें हैं, ऐसे इस प्रकार के व्यक्तियों से आपने दूर रहना चाहिए। यदि आप कोई पार्टनरशिप में जाते हो, कोई शेयरिंग करते हो, समझो आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, या उनके घर में लड़की देना है, या उनके घर की लड़की अपने यहाँ करना है, तो ये सभी ये बातें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा सोना, जब हम देखते हैं कि भाई सोना खरा सोना है कि नहीं है, तो सोने को बहुत रगड़ते हैं, घिसते हैं, उसको हथौड़ी से ठोक के देखते हैं, उसको आग में डाल देते हैं, तो फिर उसकी परख हो जाती है कि नहीं सच्ची है, सोना बराबर है करके। तो वैसा ये है कि ऐसे कभी भी जब आपको लंबे समय के लिए रिश्ता किसी से करना है तो डेफिनेटली ये बातें आपने देखना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक जब आप किसी के साथ में चलना है तो बहुत सारी बातें बीच में आ सकती है, और फिर इसमें आपको बाद में तकलीफ होंगी, इसलिए पहले ही देखना जरूरी है। यदि आपको किसी को पार्टनर लेना है तो कभी भी कम से कम 1 साल तक वो आपके साथ में रहता है, वो आपके साथ में व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार कैसे है, किस तरह का व्यक्ति वो है, इसमें के पांच अवगुण उसको उसमें है क्या, ये देखना जरूरी है। एकदम देखते बराबरी किसी के एकदम बहकावे में आके या किसी के बोलने में आके उसके साथ में डील नहीं करना चाहिए, या उसके साथ में रिश्ता भी नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स
उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।